ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आगे और आज देखिए बिहार में चुनाव प्रचार के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि आज चौथे चरण का चुनाव प्रचार का शोर शाम तक थम जाएगा और उससे पहले लगातार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं नेता और वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। वैशाली के देसरी में आज से नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा होगी, जहां से नीतीश कुमार हाजीपुर से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान के लिए वोट मांगेंगे। तो आज से नीतीश कुमार वैशाली जाने वाले हैं। इसके साथ ही हम अगर बात अगले नेता की कर लें जो चुनाव प्रचार में आज जाने वाले हैं, तो मुजफ्फरपुर आ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुजफ्फरपुर के सरफुद्दीनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद के लिए समर्थन में जनसभा की जाएगी सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल मैदान में। करीब 2:30 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके साथ ही बात अगले नेता की कर लेते हैं, तो आज चुनाव प्रचार के दौरान चतरा के सिमरिया में दोपहर 3 बजे पीएम मोदी की चुनावी सभा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिमरिया टंडवा पथ स्थित मुरवे मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और ये संबोधन होगा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के पक्ष में, जिसमें वो वोट मांगेंगे। चतरा उम्मीदवार कालीचरण सिंह के पक्ष में भी चुनावी सभा पीएम मोदी करने वाले हैं। और इसी के साथ पीएम मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करने जा रहे हैं, यानी कि कल पीएम मोदी का पटना में रोड शो होने वाला है। मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हाथों में मेहंदी रचाई है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मोदी संग बिहार की मेहंदी अपने हाथों में लगवाई। महिलाएं मेहंदी का रंग दिखाकर पीएम मोदी का स्वागत करेंगी। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये रोड शो होगा और उसके मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी 12 तारीख को रोड शो करेंगे और इसी हाथ को दिखाकर पीएम का ये तमाम महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो अभिवादन करती हुई नजर आएंगे। सभी के हाथों पर मोदी संग बिहार लगा हुआ है, हाथों में गुलाब का फूल है। पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने संग लेकर आई है, माथे पर पगड़ी है और पूरा जो रोड शो की तैयारी है बीजेपी की तरफ से पूरी की जा रही है। इसी हाथ को दिखाकर मोदी जी का एकदम बिल्कुल इसी हाथ को दिखा के मैं उनका अभिनंदन करूंगी। 12 तारीख को आ रहे हैं, क्या तैयारी? हाँ, पूरा तैयारी है। हम लोग रोड शो में मोदी जी के लिए रामलला जैसे की तैयारी हुआ था, दीपावली मनाए थे हम लोग रामलला के लिए, वैसा ही मोदी के लिए हम लोग भी मना रहे हैं। हाथों में मेहंदी लगवा ली है आपने मोदी संग बिहार? देखिए मोदी संग बिहार और जो इसका सच्चा परिणाम आप देखेंगे तो दिनांक 12/5/2024 को देखेंगे। पूरा बिहार जोर शोर से मोदी जी के साथ, सड़कों पे जगह नहीं मिलेगी, सब लोग तड़पेंगे घर के अंदर कि अब हम कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, पहले हम क्यों नहीं लाइन में लगे। तो जब ये हटाएंगे काले रंग को तो यहाँ पे जो है गेरुआ रंग आएगा। ये गेरुआ रंग इस बात का प्रतीक होगा कि ना हमें नाम चाहिए, ना कोई नाम चाहिए, बस पूरा भारत बस गेरुआ रंग में रगा हुआ चाहिए। ये हाथों में मेहंदी लगा कर तैयार है। हाँ, मोदी जी के आने की खुशी की ये झलक दिख रही है। माननीय मोदी जी आएंगे, उनको उनकी तैयारी जोर शोर से चल रही है, लोगों में काफी उत्साहित देखने को मिल रहा है। माननीय उत्साह है वो नजर आ रहा है। तमाम महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं हाथों में मोदी संग बिहार की मेहंदी लगाकर अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त को और शुभ बना रही है और साफ तौर पर कह रही है किसी हाथ को दिखाकर मोदी संग बिहार पीएम का हम स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। विनीता मिश्रा, News18 पटना। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर पुलिस ने पटना की सड़कों पर गश्ती बढ़ा दी है। पटना कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त ने खुद ही सड़क पर जाकर इसका जायजा लिया है। पटना में पीएम के रोड शो को लेकर सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेली रोड से कदमकुआं गांधी मैदान तक सड़क को सजाया गया है। तो कल पीएम मोदी पटना आएंगे, तो आज पीएम मोदी झारखंड दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चतरा आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मुरवे मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पर है। जनसभा में लगभग 4 लाख लोगों के आने की संभावना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका दूसरा चतरा दौरा होगा।
इससे पहले पीएम मोदी 2014 में चतरा पहुंचे थे और तब उन्होंने जनसभा की थी। इस बार पीएम मोदी हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल और चतरा से बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह के लिए वोट मांगेंगे। बढ़ते आगे और इसी बीच आपको अगली खबर दिल्ली से बता दें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। जेल से निकलकर अरविंद केजरीवाल सीधे घर के लिए निकले। रास्ते में अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उसकी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलने पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जो लुटेरे होते हैं वो जेल में रहे कि बाहर में रहे, जनता जानती है कि ये लुटेरे ही हैं। उस निर्णय पर कोई टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करते हैं। हम एनडी गठबंधन के लोग नहीं हैं कि माननीय न्यायालय के निर्णय पर आंदोलन करें और धरना प्रदर्शन करें। हम तो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और संवैधानिक संस्था के निर्णय का सम्मान करना चाहिए इंडी गठबंधन के लोग। जब उनके विपरीत वो निर्णय देते हैं तो छाती पीटते हैं। जमानत मिलने से कोई दोष मुक्त नहीं होता। प्रचार के लिए मिली है, कोई दिल्ली के चुनाव में इसका फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग सातों की सातों सीट दिल्ली की जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अदालत के फैसले में आमतौर पर नकारात्मक टिप्पणियां करने का रिवाज नहीं है। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर सियासत काफी ज्यादा तेज है। बीजेपी के संगठन मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था, उन्होंने शराब नीति में क्या क्या घोटाले किए थे और कितने पैसे लिए। अरविंद केजरीवाल को वोट मांगने का हक नहीं है। न्यायालय का निर्णय है, इस पे क्या टिप्पणी की जाए। मैं बस ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना दामन साफ कर लें, पहले जनता के बीच में जाके इस बात का जवाब दें कि उनको क्यों अरेस्ट करना पड़ा, उन्होंने शराब पॉलिसी में क्या घोटाला किया, किससे कितने पैसे लिए। जब तक जनता के बीच में भरोसा नहीं अर्जित करते, सही मायने में उनको वोट मांगने का और कैंपेन करने का कोई अधिकार नहीं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा का बेटा फिर से प्रधानमंत्री बने। मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं ये लोग। चुनाव जीतने के लिए इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि अति पिछड़ा का बेटा फिर से प्रधानमंत्री। बेगूसराय में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। गिरिराज सिंह को जिताने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत यहां झोंक दी है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री श्रवण कुमार और मंगल पांडे ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सभी नेताओं ने कहा कि केंद्र में मजबूत सरकार के लिए पीएम मोदी का आना जरूरी है। साथ ही सीपीआई पर बेगूसराय के विकास को रोकने का भी आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब 2005 में आपने सरकार बनाया तो पहली बार बिहार में आरक्षण भी महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने देने का काम किया साहब। इसलिए आज नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है और हम आपसे यही आग्रह करेंगे, सारे चीजों को नीचे भुलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अति पिछड़ा का बेटा है, इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनको मत देने का काम कीजिए। निवेदन करूंगा एक एक वोट 13 तारीख को आदरणीय गिरिराज सिंह जी को देकर यहां से विजय बनाने का काम कीजिएगा। ये वामपंथी जो नरसंहार और लोगों के बीच दहशत का वातावरण फैलाता है, अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ाता है, इसको बिहार से समाप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर कमल का बटन दबाकर गिर
राजबाब को विजय बनाए, यही अपील, यही निवेदन, यही आग्रह करने आए हैं। मुंगेर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह के पक्ष में मंत्री लेसी सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। लेसी सिंह ने कई गांव में जाकर ललन सिंह को जिताने की अपील की। ललन बाबू है ना हमारे जो सांसद हैं, उनका तीर छाप है 3 नंबर पर, उन्हीं के लिए हम लोग आए हुए हैं आप लोग से अपील करने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए, सहयोग मांगने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत का दावा किया है। पशुपति पारस ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है, पीएम ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, यही वजह है कि देश की 75% आबादी पीएम के साथ है। पशुपति पारस ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी आज के तारीख में विश्व के सबसे सर्वमान्य नेताओं के रूप में, सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में माने जाते हैं, और उनके नेतृत्व में जो 10 वर्ष में देश का विकास हुआ, 75% आबादी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास करता है, और निश्चित रूप से हमारी पार्टी और हमारा संगठन पूरे देश में है, और खास करके बिहार में हमारी पार्टी, हम लोग NDA गठबंधन के साथ है। पटना साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत की जीत के लिए महागठबंधन ने रणनीति तैयार की है। पटना सिटी के कुम्हरार सामुदायिक भवन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। चुनाव में NDA को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया गया। कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत ने कहा कि उनकी जीत तय है। अंशुल अभिजीत ने BJP उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद पर भी निशाना साधा। मुंगेर में भी 13 मई को वोटिंग होनी है, और इसको लेकर पोलिंग बूथों के लिए दो तरह की किट तैयार की गई है। एक किट जनरल है और दूसरी किट जो है वो स्पेसिफिक होगी। दोनों किट में 133 तरह के सामान उपलब्ध कराए गए हैं। वोटिंग सेंटर पर मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की गई है। तो चौथे चरण में जो सामग्री दी जा रही है, तो मेडिकल किट दिया जा रहा है, जो हमारे कर्मी है उनके लिए मेडिकल किट है। इसके अलावा सभी जितने भवन हैं, सभी भवनों में मेडिकल टीम है, उसका डेपुटेशन किया गया है, जहाँ पर ANM और अन्य सभी कर्मी हैं, और जो प्राथमिक चिकित्सा का किट है उसके साथ वो लोग रहेंगे, और अगर कोई व्यक्ति है उनको कोई दिक्कत होता है तो तुरंत तत्काल प्राथमिक चिकित्सा की सहायता उनको दी जाएगी। अगली खबर आपको गोपालगंज से बता दें, जहां छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी, और इसको लेकर चुनाव आयोग ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। वेयरहाउस से EVM को डिस्पैच सेंटरों पर भेजा जा रहा है। जिले में 2006 वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं News18 संवाददाता गोविंद कुमार। में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है, और छठे चरण में यहां चुनाव है और 25 मई को वोटिंग होनी है। इस वक्त जो VVPAT गोदाम है, वहां से तमाम EVM मशीनों को डिस्पैच सेंटरों पर भेजने का काम शुरू हो गया है। डिस्पैच सेंटर पे आज से जाना शुरू हो गया। आज हमने 2 विधानसभा का, बैकुंठपुर और बरौली का भेज दिया, वो पहुँचने वाला होगा। इसी तरह से 2 विधानसभा का कल हम भेजेंगे, और 2 विधानसभा का जो नज़दीक वाला है गोपालगंज और ऊंचाई कोर्ट का, उसको परसों भेजेंगे। 25 मई को मतदान होना है, और कुल 2006 इसके लिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ऐसे में तकरीबन 27,000 से अधिक चुनाव कर्मियों को इस चुनाव में जो है लगाया गया है। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो सभी मतदान केंद्रों पर 10 लेयर में इसकी सुरक्षा रहेगी। तमाम जो मतदान केंद्र है वहाँ पर CAPF फोर्स, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, उनकी इस वक्त तैनाती की जाएगी। गोविंद कुमार, News18 गोपालगंज। ऐसे बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, आलमगीर आलम के OSD निलंबित कर दिए गए हैं। संजीव लाल अगले आदेश तक निलंबित किए गए हैं। 7 मई को ED ने हिरासत में लिया था। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी को निलंबित कर दिया गया है। संजीव लाल अगले आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि संजीव लाल के सहायक के घर से करीब 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए थे और साथ ही साथ संजीव लाल के घर से भी कई सारे कागजात और कैश मिले थे, जिस मामले पर 7 मई को ही संजीव लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब निलंबित कर दिया गया है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।